Hello everyone, this is Professor MH और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। मंथली रिटर्न म्यूचुअल फंड का कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एज ऑफ नाउ याद रखना है, लेकिन कैलकुलेशन अपनी तरीके से, लॉजिकली तरीके से करना है, लॉजिक के तरीके से करना है, तो उस तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि म्यूचुअल फंड है जिसका NAV है 20 rupees एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। मंथ स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में उसका कितना था? 20 rupees NAV था। म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया इनकम एंड कैपिटल गेन, इतना अमाउंट और इतना अमाउंट पर शेयर, मतलब पर यूनिट किया ड्यूरिंग द मंथ, एंड देन एंडेड द मंथ विद NAV ऑफ 20.06 पैसा। कैलकुलेट द मंथली रिटर्न। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? मंथली रिटर्न, ठीक है। तो इसका मैं लॉजिक बताने वाला हूँ। फॉर्मूला इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, लॉजिक यूज़ करेंगे। लॉजिक अगर यूज़ कर लिया तो फॉर्मूला याद रखने में आपको आसानी होगी। अब देखो क्या बताया गया कि मंथली रिटर्न का कैलकुलेट करना है। रिटर्न मतलब आपने कितना कमाया है। तो कितना कमाओगे आप कितना कमाओगे? आप तभी कमा सकते हो जब आपने पैसा लगाया होगा। अब आपने 12th का एग्ज़ाम दिया तो आपको 60% 70% आया, तो 60% आया, समझो आपको मैथ्स में 80 मार्क्स आया आउट ऑफ 100, तो आपने 100 मार्क अटेम्प्ट किया जभी तो 80 आया ना। अगर आप 100 अटेम्प्ट ही नहीं करते तो आपको 80 आता क्या? नहीं आता। आपको 80 आया बिकॉज यू अटेम्प्टेड 100। तो आपका रिटर्न कितना हो गया? 80% हो गया कि नहीं हो गया? तो सेम वे में मंथली रिटर्न कैलकुलेट करना है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में आपने कितना पैसा लगाया? तो 20 रुपीज लगाया एट द बिगनिंग, और उसमें से आपको क्या मिला? एक अमाउंट ये मिला, एक अमाउंट ये मिला, और एप्रिसिएशन मिला कितने का? 0.06 का, क्योंकि 20 रुपया तो लगाया था, एंड में उसका वैल्यू 20 रुपया 66 पैसा हो गया। तो लॉजिक देखो यही है। आपको क्या देखना है कि टोटल रिटर्न निकालो, इनकम कितना कमा रहे हो और कैपिटल एप्रिसिएशन कितना कमा रहे हो, डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। तो आपने इनकम कमाया तो कितना इनकम कमाया? तो यहाँ पे देखो नीचे दिया है आपका, आपने कमाया 20 रुपया लगाया, 20 रुपया स्टार्टिंग में लगाया और एंड में कितना हो गया? 20 रुपया 6 पैसा। तो इसका मतलब 20 रुपया 6 पैसा माइनस 20, तो 0.6 पैसा कमाया। प्लस और क्या कमाया? आपने इनकम कमाई 0.037 और 0.03 का, तो उसको ऐड कर दो, ये दोनों अमाउंट ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 20 ही क्यों लिया? अरे डिवाइड बाय 20 ही क्यों लिया? क्योंकि आपने 20 रुपीज़ ही लगाया था, या उसका वैल्यू स्टार्टिंग में 20 ही था, तो 20 लगाया जब ही तो आपको ये अमाउंट मिल रहा है ना। आप 20 नहीं लगाते तो आपको ये अमाउंट मिलता क्या? ये तीनों अमाउंट आपको मिलता क्या? नहीं मिलता। बस इसको सॉर्ट आउट करना है। अब ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 0.06 प्लस 0.037 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 20 × 100। सॉर्ट आउट करेंगे तो आएगा 0.1275 डिवाइड बाय 20 × 100, आपका आएगा 0.6375% और 7.65% पर एनम। इस तरीके से मंथली रिटर्न निकालेंगे। और अगर आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा तो फॉर्मूला लिखा होगा R इज इक्वल टू NAV एट द एंड माइनस NAV एट द बिगनिंग प्लस इनकम प्लस ग्रोथ। बहुत सारे मतलब वेरिएशन दिए होते हैं फॉर्मूले के, लेकिन इस लॉजिक से अगर आपने रिटर्न कैलकुलेट किया तो आपका सम राइट होने वाला है। तो आई होप इसका लॉजिक समझ में आया। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको इसका लॉजिक क्या है। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है, रिटर्न का मतलब होता है कि कितना कमाया। तो कमाते आप तभी हो जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया? 20, तो उसको नीचे लिखने का 20। अब ये 20 आपने पुट किया जभी तो आपको ये पैसा मिला, जभी तो आपको ये पैसा मिला ना, तो ये दोनों को लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
3.75 + 0.03। इसके अलावा 20 रुपया डाल के उसका वैल्यू एक महीने में कितना हो गया, 20 रुपया 6 पैसा हो गया। तो इसका मतलब 20 रुपया 6 पैसे में से 20 रुपया गया तो कितना बचा, 0.06। तो वो आ जाएगा 0.06। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 20 करो, इनटू 100 मारो, आपको रेट मिलेगा ये वाला। समझ में आया, यस और नो? तो दिस इज़ द लॉजिक ऑफ कैलकुलेटिंग मंथली रिटर्न। ये पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। इसके पहले भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया, इसके पहले भी हम लोग ने म्यूचुअल फंड का डेरिवेशन देखा, क्यों किया जाता है, फीचर्स विचर्स देखे। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं और कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आगे आने वाले वीडियो को हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। और प्लीज़ आप सजेस्ट करो कि कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग आगे इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या अपना कमेंट डाल के हमें मतलब आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।